हाय फ्रेंड, आइए आज मैं आपको ऑयल प्रेशर मीटर के बारे में बात करूंगा। क्योंकि ऑयल प्रेशर मीटर एक तो मैनुअल होता है जो हमारा ब्लॉक में लगता है, तो हमें उसके बारे में आज नहीं बताना है। हमें बताना है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक ऑयल प्रेशर मीटर होता है, जिसको जनरल में लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो है वो अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक पैनल में ही लगता है। जैसे हमारा ECPG या PG, ये सब जो भी हमारे पैनल आ रहे हैं इस समय, वो सभी में वो ट्रांसड्यूसर ही लगता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर के द्वारा ही वो सेंसिंग से जो है हमारा ऑयल प्रेशर जो है इंजन का या दिखाता है। तो उसको चेक करने के लिए अगर हम दोनों एक तार अगर निकाल देंगे तो वो पूरा फुल पे जाके वो प्रेशर शो करता है। तो इसीलिए उसको चेक करने के लिए अगर हम दोनों तार शॉर्ट भी कर देंगे तो भी हमारा प्रेशर फुल बताएगा। या अगर कहीं कहीं जैसे वायरिंग सिस्टम होता है, जहाँ लीड सिस्टम होता है, तो उसमें जो है हमको एक तार निकाल देते तो हमारा फुल बताता है। तो उसको चेक करने का बस यही एक कारण है। तो उसमें क्या है, जब दोनों तार अपने जगह पर लगा रहेगा तब वो जो है हमारा आराम से प्रेशर शो करेगा, तब वो रहता है कि प्रेशर हमारा सही है। तो आइए आज हम आपको ट्रांसड्यूसर दिखाते हैं वो ट्रांसड्यूसर हमारा कैसे करता है। हाँ देखिए, ये ट्रांसड्यूसर है, ये जो है जनरल टाइप का ट्रांसड्यूसर है। इसमें जो है हम जैसे वायर में थंबल लगा के इसको लगा देते हैं, और ये जो आगे का पोजीशन है ये हमारा कहीं कहीं पे तो होज मेन ऑयल गर्ली से लगा के हम लगाते हैं, और किसी किसी में जो है डायरेक्ट वो ऑयल गर्ली में लग जाता है। ये देखिए, इसमें जो लेफ्ट साइड में वो डायरेक्ट ऑयल गर्ली में, और ये दो पॉइंट ये है इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है जाते हैं, और ये हमारा वायर हार्नेस में जो है उसी के थ्रू ये आता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पैनल में रहता है उसी में ये लग जाता है। और ये देखिए, ये एक ये भी उसी टाइप का है, बस केवल इसका कंपनी अलग है। तो इसमें भी उसी टाइप से दो थिम्बल लगा के जो है हम इसमें दोनों वायर लगा देते हैं, और आगे का जो पॉइंट है वो हमारा जो है मेन ऑयल गली में या किसी और में भी हम इसको लगा देते हैं। क्योंकि कहीं 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 जैसे मेन ऑयल गली में अगर जगह नहीं मिलता है तो हम इसको जो है डायरेक्ट होज के थ्रू लगा के इसको हम बाहर कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर जो है हम इसमें दो वायर लगा देते हैं, और ये जो है आराम से ये काम करता है। तो इसीलिए और इसको चेक करने के लिए जैसे कभी कभी होता है कि ये हमारा प्रेशर शो नहीं कर, तार निकाल देंगे या जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया उसी तरह से इसको हम चेक कर लेते हैं और पता लग जाता है कि हमारा सही है या नहीं है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो किसी पर कृपया सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। थैंक यू।